अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी कैप्चर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हलका असेंबली कारवान के मजलिस रुकन कौसर मुहीउद्दीन ने दलित बंधु स्कीम के तहत अकबरपुरा टोली चौकी में दलितों को फराहम हुए व्हीकल्स, किराना स्टोर्स, टेंट हाउस, केटरिंग का इब्तदा अमल में लाया। इस मौके पर नाना नगर कोऑपरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदे कोऑपरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, टोली चौकी नुमाइंदे कोऑपरेटर हारून फरान, गोलकुंडा नुमाइंदे कोऑपरेटर बदरुद्दीन के अलावा मजलिस के दीगर एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे सीनियर नुमाइंदे हमीद खान की ये खसूसी रिपोर्ट में चंद झलकियाँ। हर अहम खास खबर के लिए वी कैप्चर न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और यहाँ पर टोली चौकी अकबरपुरा और ख़ास तौर से जो आज का जो प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर साबिका में जो दलित बंधु की स्कीम का आगाज़ हुआ था, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को 100-100 दलित बंधु स्कीम के तहत उन तमाम को 10 लाख रुपए की लागत से, चाहे जो भी उनका जो ओनर है जो काम कर सकते हैं उसके लिए दिया गया था। और आज टोली चौकी अकबरपुरा जो कदीम आबादी, कदीम बस्ती है, वहाँ के 4 जनों का, जिसके अंदर एक सप्लाई कंपनी, कोई सेंट्री का सामान, कोई किराना शॉप और कोई कार लिए, आज उसका इफ्तिताह अमल में आया। मैं इन दलित भाइयों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि टोली चौकी या कारवान ज़्यादा तादाद में मेरे दलित भाई रहते हैं। आप देखिए गलौज इलाके के अंदर और जियागुड़ा कारवान व टोली चौकी हकीम पेट, इसी तरीके से 100 लोग को दिया गया, और जिसके अंदर ये नहीं देखा गया कि वो TRS पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं। मेरी जमात वो आपकी जमात के पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने बताए कि चाहे दलित कौन से भी पार्टी के रहते होंगे, मगर उन तमाम को अपना काम है कि ये दलित बंधु स्कीम का जहाँ तक हो सकता है फ़ायदा कराने की, उन लोग के लिए काम करने के लिए बताएं। सिर्फ ये दलित बंधु ही नहीं, आप देखते होंगे जो कई ऐसे आबादी हैं, लंगर हो, अम्बेडकर नगर हो, बापू नगर हो, लक्ष्मी नगर हो, या जियागुड़ा हो, या गोलकुंडा टोली चौकी, इन आबादी के अंदर जिस तारीख से MIM पार्टी के MLA यहाँ पर इलेक्ट होने के बाद जिस तरीके से बड़े बड़े कॉलोनीज के अंदर डेवलपमेंट के काम करते हैं, उसी तरीके से इन आबादियों के अंदर भी डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं और काम करते रहते हैं, काम कराते जाते हैं। मैं यहाँ के जो असल पूरे के मेरे दलित भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हर वक्त आपने तमाम हाजी भाई पीछे ना शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। అమ్మా అమ్మా రండి, దాన్ని తొందర రండి బయటికి, రెండు పుల్లదండాలు వెయ్యి, పుల్లదండాలు ఈ రెండు ఇంకోటి తీసుకో, ఇంకోటి
हमारे तमाम कारपोरेटर साहब, एमएलए साहब, फिर एक बार शुक्रिया।